समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए घबराइए मत, अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, ये है अमेरिका की रहने वाली निशा अग्रवाल जी का। निशा अग्रवाल भगवान की अनन्य भक्त हैं। दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं इनकी, जिन पर बहुत गर्व है इनको। दोनों ही बेटियां कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, भगवान नरसिंह की पूजा करती हैं। एक बच्ची अपने स्कूल में फ्लूट बजाती है, वो इसलिए फ्लूट बजाती है क्योंकि कान्हा जी फ्लूट बजाते हैं। बहुत प्यारा सा परिवार है। निशा बताती है कि घटना न्यूजर्सी की है। जन्माष्टमी का दिन था, निशा की छुट्टी थी। आमतौर पे छुट्टी मिलती नहीं है, त्योहार का दिन था, भगवान का दिन था, उस दिन छुट्टी मिली। वो बताती है कि वो इतनी व्यस्त रहती है कि उनको बाल बनाने का समय भी नहीं मिलता। जो छोटे वाली बच्ची है, ज्यादा छोटी थी। त्योहार का दिन था, उत्सव मनाना था, भगवान का जन्मदिन मनाना था, तो भगवान के लिए पंजीरी बनानी थी। तो जल्दी से घर के काम किए। छुट्टी वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं, जो पूरे हफ्ते के जो काम होते हैं वो छुट्टी वाले दिन पूरे होते हैं। निशा घर के सारे काम करके घर से बाहर निकली राशन लेने के लिए, क्योंकि भगवान के लिए पंजीरी बनानी थी। निशा जब दरवाजा बंद कर रही थी तो निशा के कान से एक इयररिंग जो है नीचे गिर गया। इनको आभास हुआ कि इयररिंग जो है वो कान से गिर गया है, वो पहले से थोड़ा लूज था। अब नीचे देखा, लकड़ी की सीढ़ियां थी, लकड़ी की सीढ़ियों के नीचे बहुत सारे पत्ते थे। अब निशा ने सोचा कि अब मैं इयररिंग ढूंढूंगी तो काफी समय चला जाएगा, और समय है नहीं, समय की कमी है, जल्दी से राशन लेके आना है, भगवान के लिए पंजीरी बनानी है। दूसरा इयररिंग उन्होंने अपने कान से निकाला और अपने पर्स में रख लिया, और भगवान कृष्ण को ये बोला, हे प्रभु, ये मिले तो तेरा, खोए तो तेरा। ये कहके निश्चिंत होकर के चल दी राशन लेने। बड़ी अद्भुत बात है ये, जब आप हर चीज भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। निशा बताती है कि राशन लेके आई, घर पे आई, पंजीरी बनाई भगवान के लिए, भगवान का प्रसाद तैयार हुआ, दोनों बेटियों ने भगवान की भक्ति की, पूजा की, भजन गाए, उत्सव मनाया गया, भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी का दिन था, बहुत खुश थे सब, जन्मदिन मनाया गया भगवान का। बात आई गई हुई, जिंदगी में इतनी व्यस्तता है कि भूल ही गई कि एक इयररिंग जो है वो घर के बाहर गिर गया था। सोने का था, महंगा था, लेकिन भूल गई। जिंदगी में और बहुत सारे काम थे। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं, खुद का ऑफिस होता है, एक महिला की जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, उनमें इतनी उलझ जाती है कि उसको अपना ख्याल रहता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो पहले ही कह रही थी कि मुझे इतना समय भी नहीं मिलता है कि मैं अपने बाल भी बना पाऊं। तो इस व्यस्तता में वो भूल गई कि कान का इयररिंग जो है वो गुम हो गया था। कुछ महीने बीते, नवंबर का महीना आया, दिवाली का महीना। अब दिवाली आई तो घर की साफ सफाई करनी थी, घर की साफ सफाई करने लगे। निशा बताती है कि अलमीरा में मेरे 3-4 पर्स रखे थे। एक पर्स जो वो रेगुलर यूज करती थी, बाकी 2-3 ऐसे थे कि कभी लेके जाना कभी नहीं लेके जाना। तो 3-4 पर्स रखे थे, ऐसे ही पर्स को देखने लगी और पर्स में देखती है कि एक इयररिंग रखा हुआ है। निशा सोचती है कि मैंने तो ये अपने रेगुलर पर्स में रखा था, इसमें कैसे आया। तो ये सोच के निशा अपने रेगुलर पर्स को खोलती है, उसमें भी एक इयररिंग रखा हुआ है और इसमें भी एक इयररिंग रखा हुआ है। जो ये दूसरा पर्स था, इसमें जो इयररिंग था, ये वो था जो गुम हो गया था, ये वो था जो सीढ़ियों में गिर गया था, जिसको निशा ने खोजा नहीं था, ढूंढा नहीं था। निशा भावुक हो गई। निशा ने ठाकुर जी को याद किया, धन्यवाद किया, बोली कि हे ठाकुर, मैंने तो कहा था मिले तो तेरा, खोए तो तेरा, मेरा तो सब कुछ तेरे पास है। भावुक होकर के रोने लगी, ठाकुर जी को याद करने लगी, धन्यवाद करने लगी, बड़ी खुश हुई। निशा बताती है कि यह ऐसा अनुभव था कि इसके गवाह सिर्फ मैं और ठाकुर ही थे, तो मैं किसे बताती कि ऐसा हुआ और कौन विश्वास करता।
लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं जो विश्वास करते हैं उनके साथ पल प्रतिपल चमत्कार होते हैं, हमेशा चमत्कार होते हैं। उसके बाद निशा बताती हैं कि कुछ दिन के बाद बहुत परेशान थी, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, ऐसे ही बैठ करके सोचने लगी कल को मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चियों का क्या होगा, विदेश में रहती हूं, घर से कौन आएगा, मेरा देश इतना पास नहीं है, भारत बहुत दूर है, दूसरे देश में बैठी हूं, कल को कुछ हो गया तो कौन आएगा और पराए देश में कौन अपना होता है। इन्हीं बातों को सोच करके रो रही थी, परेशान हो रही थी, बार बार ठाकुर जी को कह रही थी कि हे ठाकुर जी, आप हमेशा मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। थोड़ी तबीयत खराब थी निशा की। इतने में ये बताती हैं कि परेशानी की वजह से लगातार रो रही थी और चित्रलेखा जी की भागवत इनके सामने आई ऑनलाइन, इन्होंने चित्रलेखा जी की भागवत सुनना शुरू कर दिया। मन थोड़ा प्रसन्न हुआ, विचार बदले, थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। उसके बाद ये रात को अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, दोनों बच्चियां भी सो गई थी, दिमाग तब भी अशांत था, सोच रही थी कल को कुछ हो गया तो घर से कोई कैसे आएगा, मन बार बार डाइवर्ट होता है, फिर घूम फिर कर वहीं चला जाता है, परेशानी जो है कई बार बहुत भारी हो जाती है। तो परेशानी दिमाग में चल रही थी, सोच रही थी कि मेरा देश दूर है, वहां से कोई आएगा पता नहीं, वीजा लगेगा नहीं लगेगा, पासपोर्ट तैयार होगा नहीं होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा। और फिर मन में ख्याल आया कि हर चीज तो ठाकुर पे छोड़ देती है, तो मेरा ठाकुर ही संभालेगा। आंखें बंद की, ठाकुर जी का ध्यान किया। निशा बताती है कि वो काले कन्हैया मुस्कुराते हुए, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे बंसी वाले मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं उनका ध्यान कर रही थी और इतने में मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई है, कोई मेरे आसपास चल रहा है, और मुझे अनुभूति हो रही थी कि मेरे ठाकुर मेरे पास है, मेरे कृष्ण मेरे पास है, मेरे कमरे में है। और मैं घबरा रही थी, मेरे से आंखें नहीं खोली जा रही थी, मुझे डर लग रहा था, मैं साधारण हूं, मैं अपने प्रभु को कैसे देख सकती, मुझे उनकी अनुभूति हो रही थी, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे कृष्ण मेरे पास है, वो मेरे बिस्तर के आसपास चल रहे हैं। दोस्तों जब ईश्वर आते हैं वो अपनी अनुभूति करवाते हैं, वो अलग ऊर्जा है, क्योंकि पूरी सृष्टि उनकी ऊर्जा से चल रही है। जिस तरह से निशा कह रही है कि मैं डर रही थी, आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, आप यकीन मानना, जब अर्जुन ने पहली बार ठाकुर जी को देखा था अपने ब्रह्म रूप में, तो अर्जुन के शब्द यही थे कि प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, मैं आपका यह रूप देख नहीं सकता, मैं भयभीत हूं, मुझे मेरे साधारण कृष्ण से मिलना है, मेरे दोस्त से मिलना है, आप उसी तरह हो जाइए जैसे आप हैं, मैं नहीं देख सकता आपका यह रूप। तो ये सच है, वो तो अर्जुन थे, वो घबरा गए थे, यहां तो निशा है, साधारण है, मनुष्य है। तो निशा घबरा गई, निशा ने आंखें बंद करके भगवान से सिर्फ यही कहा कि प्रभु जिस तरह से सूरदास ने आपको महसूस किया था, महाकवि सूरदास जी ने बिना नेत्रों के आपके दर्शन किए थे, मैं भी आपके दर्शन इसी तरह से पा रही हूं प्रभु, आपकी अनुभूति है मुझे, आपका एहसास है मुझे, मुझे पता है आप मेरे पास हैं, और मुझे पता है मेरे ठाकुर आपको ना किसी वीजा की जरूरत है ना किसी पासपोर्ट की, आप हर जगह आ सकते हैं, क्योंकि आप कण कण में विद्यमान है। ऐसा विश्वास और ऐसा प्रेम जब होता है तो ठाकुर साक्षात आपसे मिलने आते हैं, ठाकुर आपके पास रहते हैं। निशा का यह प्रेम अद्भुत है। निशा कहती है कि मैं हमेशा यही चाहती हूं, दुनिया का जो माहौल है
दुनिया में जिस तरह के लोग हैं। मुझे पता है कि मेरी बेटियों की सुरक्षा के लिए मेरा ठाकुर हमेशा उनके साथ खड़ा। निशा कहती है कि उस दिन के बाद मैं हर चीज के लिए निश्चिंत हो गई, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं भयभीत नहीं हूं, मैं घबराती नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे ठाकुर मेरे पास है, मेरे कृष्ण मेरे पास है, मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों, एक वही है जो सात समुंदर पार जा सकता है पल भर में, एक वही है जो कभी भी कहीं भी आ सकता है पल भर में, एक वही है जब कोई साथ नहीं होता तो वही साथ होता है, एक वही है। उसे जितना जल्दी अपना साथी बना लोगे, जितना जल्दी मान लोगे, जितना जल्दी विश्वास कर लोगे, जीवन उतना सुगम और सरल हो जाएगा। निशा ने मान लिया है कि ईश्वर उनके साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, हे मेरे ठाकुर, हमेशा निशा की दोनों बच्चियों को खुश रखना, निशा को खुश रखना, उसके परिवार में हमेशा खुशियां देना, समृद्धि देना, ऐसी होनहार बच्चियां होना, हमारे देश से दूसरे देश में जाकर के वहां संस्कार बनाए रखना आसान काम नहीं है। निशा, आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। ईश्वर आपके साथ हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है। मैं आप सबसे भी कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।